नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। आज हम इस शो में अच्छे दिन की नहीं बल्कि सस्ते दिनों की बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन आपकी जेब से है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम जनता का माइलेज डाउन कर दिया है। फिर चाहे बात घर से दफ्तर तक जाने की हो या फिर आपके खाने की चीजों की, क्योंकि ईंधन की कीमत में इजाफा मतलब आप तक पहुंचने वाली हर चीज की लागत में बढ़ोतरी। और इसकी शुरुआत हल्दी से हो भी गई है। हल्दी की कीमतों में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की खबर सामने आई है और आने वाले दिनों में हल्दी आपकी थाली का रंग फीका कर सकती है। तो अगले 10 मिनट हम आपको आपसे जुड़ी ये खबर डिटेल में दिखाने वाले हैं और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि बढ़ते दाम सुन सुन कर कहीं आपको महंगाई की आदत तो नहीं हो गई है। खाने का रंग और स्वाद बनाने वाली हल्दी अपनी कीमत से आपका जायका बिगाड़ सकती है। पिछले 1.5 महीने से हल्दी की कीमत लगातार बढ़ रही है और अब हल्दी की कीमत ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरवरी 2017 में हल्दी 6,876 रुपए प्रति क्विंटल थी। फरवरी 2018 में 6,628 रुपए प्रति क्विंटल हुई। यही भाव फरवरी 2019 में 6,238 रुपए प्रति क्विंटल थे। फरवरी 2020 में 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हुए और अब फरवरी 2021 में हल्दी की कीमत 8,210 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। पिछले 5 साल में इस वक्त हल्दी की कीमत सबसे ज्यादा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्दी की खेती की जाती है, लेकिन इस बार यहां हल्दी की पैदावार कम है, जिसकी वजह से उसकी मांग ज्यादा है और कीमत में भी इजाफा हो रहा है। तेलंगाना का निजामाबाद जिला बेहतरीन हल्दी के लिए देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी इस बार हल्दी की खेती में 10% की गिरावट आई है। लास्ट 1 मंथ में निजामाबाद में हल्दी के रेट करीब करीब 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की भाव में बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि एक्सपोर्ट का डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड बहुत बढ़िया है और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला क्रॉप कम आएगा, उस कारण भी लोग अट्रैक्ट होकर परचेस कर रहे हैं। कीमत बढ़ने के पीछे हल्दी की सप्लाई में कमी और मांग में इजाफा सबसे बड़ी वजह है। खराब मौसम की वजह से भी उत्पादन में कमी आई है। आने वाले कुछ महीनों तक हल्दी की कीमत और बढ़ सकती है, यानी आपकी थाली का रंग ये हल्दी कब तक फीका करेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।